वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, 7th of November स्टार्ट हो चुका है और टाइगर 3 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 4 दिन बचे हैं। अगर आज 7th of November का दिन भी मैं ऐड कर लेता हूं तो भाई जस्ट 5 दिन बचे, क्योंकि अभी 7th November स्टार्ट हुआ है मेरा भाई। सुबह सुबह का टाइम है, पब्लिक उठेगी, एडवांस बुकिंग करेगी, पूरा दिन पड़ा है। तो 5 दिन पहले अभी तक भाई टाइगर 3 की अपडेटेड एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, मैं आपको वही बताने वाला हूं। ये जो मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताने वाला हूं, ये अभी 7th of November सुबह 6 बजे की है। सुबह 6 बजे की, 6:30 बजे की है भाई साहब, अपडेट होकर आई है। तो अभी कितनी हो चुकी है, रात के टाइम जो हमारी 9-10 बजे तक वीडियो आती है उसमें मैंने आपको कितना बताया था, ऑलमोस्ट 5.70 करोड़। तो अभी देखते हैं कि ये जो रात के 8 से 9 घंटे गुजरे हैं इनमें कितनी एडवांस बुकिंग हुई है। तो गाइस, पहले मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में टाइगर 3 को लेकर ओवरऑल जो न्यूज है वो बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले आपने भी तो कुछ करना है, वीडियो को लाइक करो फटाफट एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एडवांस बुकिंग देख लेते हैं। हिंदी 2D 6.03 करोड़ की एडवांस बुकिंग, और रात के टाइम टोटल एडवांस बुकिंग ही 5.70 करोड़ थी, और अभी जस्ट 6.03 करोड़ हिंदी 2D से हो चुका है। 2,17,992 यानी कि 2,18,000 टिकट से सोल्ड आउट, 268 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 9,201 शोज मेरा भाई। इसके बाद हिंदी आईमैक्स का क्रेज भाई डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 33 लाख एडवांस बुकिंग, 5,377 टिकट से सोल्ड आउट, 636 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 133 शोज मेरा भाई। हिंदी 4DX 6.3 लाख की एडवांस बुकिंग, 1,099 यानी कि 1,100 टिकट सोल्ड आउट, 679 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 52 शोज मेरा भाई। इसके बाद जो न्यू वर्जन ऐड हुआ है हिंदी आईज वर्जन, उसमें 36,400 की एडवांस बुकिंग, 60 टिकट से सोल्ड आउट, 577 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 4 शोज मेरा भाई। अगर मैं तेलुगु यानी कि साउथ में तेलुगु डब्ड वर्जन में जाऊं तो 2D 4.5 लाख की एडवांस बुकिंग, 3,077 टिकट से सोल्ड आउट, और गाइस इसी के साथ 146 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 168 शोज मेरा भाई। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो बनता है 6.48 करोड़ रुपए। अब भी गाइस 7th November सुबह 6 बजे तक 6.48 करोड़ की अपडेटेड एडवांस बुकिंग हो चुकी है भाई, 6:30 बजे तक भाई साहब। रात को कितनी बताई थी, 5.70 करोड़, कितनी हुई रात को, अगर 10 भी पकड़ो तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 8 घंटे, 8 घंटे के अंदर 78 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है मेरा भाई, 78 लाख रुपीज की, अपने आप में ही गाइज यूनिक है। अब पता है क्या गाइज, टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। रीजन भाई साहब, मैं अगर बिगेस्ट एग्जांपल लूं जवान की डे 1 की एडवांस बुकिंग हुई थी 10 करोड़, जिसको देखकर सबने यही समझा था कि अगर यही एडवांस बुकिंग इसी तरह से रही तो भाई जस्ट एडवांस बुकिंग ही 50-60 करोड़ हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, डे 2 के अंदर ही ड्रॉप आ गया और डे 2 में जस्ट 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई। डे 1 में 10 करोड़, डे 2 में 3 करोड़, जिसको देख के सब परेशान हो गए। अब गई सिनेरियो ये था कि सब ऑडियंस बेसब्री के साथ वेट कर रही थी, जैसी जवान की एडवांस बुकिंग हुई धड़क सब निकल ली। टाइगर 3 के केस में क्या है भाई, इसका ग्राफ ना तो ऐसे जा रहे, ना ऐसे जा रहे, ना ऐसे, ना ऐसे, इसका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ पाथ पे जा रहा है, और ये चीज बड़ी सक्सेसफुल होती है। मतलब बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, ना ऊपर गिरता है जाता है ना नीचे। हाँ, एक इतना टाइगर 3 को बेनिफिट जरूर है कि आपको पता भी है कि जितनी बड़ी फिल्म हो लास्ट डे पर आकर उसकी एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 12th November को फिल्म रिलीज होना है, 11th November को इस फिल्म का आप लोग क्रेज देखिएगा, और वैसे भी 11th November को ओवरसीज में फुल डे प्रीमियर है तो रिव्यूज भी जल्दी आ जाएंगे ओवरसीज से, तो उसके बाद तो एडवांस बुकिंग में और तबाही आएगी मेरा भाई। तो फिर भी अभी भी गाइस बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। कुछ क्रिटिक्स या कुछ भाई लोग का यही मानना है कि ये 15 से 16 करोड़ की एडवांस बुकिंग करेगी टोटल, बट मुझे लगता है कि ये भाई ऑलमोस्ट 20 करोड़ प्लस जाएगी, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये तो थी भाई एडवांस बुकिंग। अब टाइगर 3 को लेकर ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है जरा वो मैं आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले
नेशनल चेन्स रात को 12 बजे तक ऑलमोस्ट भाई साहब 81,000 टिकट से सोल्ड आउट हो गए थे। अभी तक न्यूज नहीं आई कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड पॉलिस ने कितने सोल्ड आउट किए। जैसी आई मैं उनको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भाई साहब लगा दूंगा। जिनको नहीं पता तो मैं बताता चलू यार, मेरा चैनल आप विजिट करते रहा करें, आप विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट में जाया करें, वहां पर मैं वो पोस्ट कर देता हूं जिस पर प्रॉपर वीडियो नहीं आ सकती। जैसे टाइगर 3 कोई भी अचीवमेंट लेता है, जैसे अभी 1,00,000 नेशनल चेन से जैसी टिकट सोल्ड आउट होंगी तो उसको मैं ना कम्युनिटी में लगा दूंगा कि भाई साहब इतनी टिकट से सोल्ड आउट हो गई, ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो उससे क्या होता है, आसानी होती है, वीडियो नहीं बनानी पड़ती। तो दैट्स व्हाई जो आप में से भाई लोग ना, मतलब हो टाइम, बहुत से भाइयों के पास टाइम नहीं भी होता, जिनके पास टाइम हो तो चैनल विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक किया करें, आपको वहां भी अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद भाई साहब आईमैक्स में कमाल का क्रेज बढ़ रहा है। मैं आपको बताता चलू, कोलकाता के अंदर जस्ट 5 शोज हैं। रात को भाई साहब 2 फुल थे, 1 फिलिंग फास्ट था, अभी 2 फिलिंग फास्ट है, 2 फुल हो चुके हैं। बेंगलुरु के अंदर जस्ट 29 शोज हैं, 2 फिलिंग फास्ट और 1 फुल हो गया। मुंबई के अंदर जस्ट 27 शोज है, 5 फिलिंग फास्ट हो गए। लखनऊ के अंदर 5 शोज है, 1 फिलिंग फास्ट है। यस मेरा भाई, इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊं, आइकॉनिक डेलाइट सिनेमा ऑल शोज हाउसफुल, ऑलमोस्ट छोटा वर्ड हो जाएगा, सारे हाउसफुल भाई साहब। उसके बाद हैदराबाद के अंदर जो क्रेज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद के अंदर हाई डिमांड की वजह से 4 और शोज ऐड कर दिए गए। इसके बाद बुक माई शो 4,31,000 बुक माई शो अभी आके स्लो हुए हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद गाइस जो रात को गाना आया है यार, उसके लिरिक्स नहीं निकल रहे माइंड से भाई बहुत हार्ड क्लिक हुआ है यहाँ पर। मतलब बहुत कम गाने होते हैं ना जो दिल पे टच कर जाए, और ये जो रात को गाना आया है ना रुआ यार, ये दिल पे टच करी, मतलब आउटस्टैंडिंग लिरिक्स, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक। और मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि इस गाने के लिरिक्स बहुत टचिंग हैं, और अभी मैं वैसे गाने का रिस्पांस चेक कर रहा था तो सब यही बोल रहे हैं कि यार लिरिक्स कमाल, दिल पे लग गई ये वो। और वैसे भी जो गाने के लास्ट लिरिक्स है वो तो साफ बता रहे हैं कि मूवी मतलब कि कुछ स्पॉइल था, इसीलिए उन्होंने ये लिरिकल वीडियो डाली। और वैसे भी गाने के लास्ट लिरिक्स कंप्लीट गाइड करते हैं कि भाई जोया उसका बेटा यानी कि टाइगर का बेटा कहीं ना कहीं फंसे और टाइगर उनको बचा नहीं पा रहा। तो मैं वेट कर रहा हूं भाई साहब मूवी का, मूवी के अंदर ही पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अग्नि एनिमल में कह रहे थैंक्स फॉर वाचिंग। जाए ना जाए, मैंने गदर 2 8 बार देगी, और मैं इसको टाइगर को भी, टाइगर 3 हो चाहे 4 हो, जितनी भी आए, सलमान खान की मैं आपको 10 बार के टिकट लाके दिखा दूंगा। जय सलमान खान, जय बजरंगी भाईजान। टाइगर 3 आ रहा है और टाइगर जिंदा है तो पब्लिक बिल्कुल प्यार देगा, बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई। सलमान खान है, सलमान खान छोटी मोटी हस्ती नहीं है, गरीबों को देखता भाई जितना, बिल्कुल देखना चाहेंगे सलमान खान का, हम सबकी देखते हैं, सलमान हो, शाहरुख हो, अक्षय कुमार हो, सबकी। सलमान खान जी हमारे, जो देश के लिए लड़ सकते हैं। टाइगर हमेशा जिंदा था।